वाला कॉमेडी रहेगा, जब आप अकेले संतोष सितारे के साथ काम कर सकती है, तो जब आप लोगों का साथ मिलेगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सुंदर नगरी सीमापुरी की शक्ल जरूर बदलेगी। पांचवी क्लास में जब पढ़ती थी, वो पढ़ के जब एक मतलब आदमी ये सुंदर नगरी के चौक पे ये 205 के स्टाफ पे उसका बस्ता छीन रहा था। अब उसने मतलब वो बचपन से ही चलचली थी, वो जब उसका बस्ता छीनने लगा तो उसने बस्ता फेंक करके और उस आदमी का उसने गलेमान पकड़ा और उसने कहा कि मैं छोटी हूँ इसलिए मेरे साथ बदतमीजी करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें उठा करके तेरा सिर फाड़ दूंगी और तुम लोग ऐसे लड़कियों को परेशान करोगे। उसने ये कहानी मुझे बताई कि मम्मी मैं स्कूल से आ रही थी, एक आदमी था साइकिल पे मेरे बस्ते को छीनने लगा, मैंने बस्ता तो फेंका, मैंने उसकी साइकिल पकड़ के नीचे गिरा दी और मैंने 10 लोगों को इकट्ठा कर लिया, ये देखो मुझे पता नहीं बहका करके मेरे साथ बदतमीजी पना कर रहा है। तो उसको बहुत पिटवाया था उसने सुंदर नगरी के अंदर ही 205 के स्टाफ के। वो डरती नहीं थी, वो बचपन से ही नहीं डरती थी, वो 5 साल की थी वो जब से नहीं डरती थी, और बच्चों के साथ उसका बचपन से ही बच्चों के साथ एक लगाव था और बच्चों के साथ बड़े प्यार से खेलती थी, सारे बच्चों को बुला लेती थी, कंचा खेलती थी। बिंजी के साथ जब संतोष ने परिवर्तन में जब आई थी राशन के मुद्दे पे काम करा था, जब राशन के मुद्दे पे जब काम करा था तो घर घर जा कर के सब बहनों से मिल कर के बात करती थी कि तुम्हें राशन मिलता है कितना मिलता है, तब मतलब पब्लिक जब बताती थी कि दीदी हमें राशन बहुत कम मिलता है और ज़्यादा रेट पे मिलता है, तब संतोष राशन के लिए काम करने फील्ड में निकलती थी, ये बताती थी कि नहीं ये पीले कार्ड पे तो राशन सस्ता है तुम्हें महंगा देते हैं, इसके ऊपर हमें आवाज़ उठानी चाहिए, अगर तुम आवाज़ उठाओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी हमेशा। गरीबों के हक की लड़ाई में इतना खतरा उठाना होगा, संतोष को इस बात का एहसास था। मौत से लोहा लेने की हिम्मत ही है कि संतोष आज भी लोगों के हक की लड़ाई में जुटी है। तभी तो सुंदर नगरी इलाके में लोगों को भरोसा है कि उनका हक कोई नहीं छीन सकता। संतोष ने राशन माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी इस बात से बेपरवाह कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उनकी कोशिशों का लोगों ने कई बार मजाक बनाया, उनके साथ मारपीट हुई, कितनी ही बार उन पर जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन संतोष की हिम्मत और जज्बे के सामने बुरे हालातों ने हर बार हार मानी। संतोष कितनी आरटीआई आप डाल चुकी हैं अभी तक? मैंने ऐसा कोई काउंटिंग तो किया नहीं है, बट बहुत आरटीआई डाली है। जैसे कि बेसिकली मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, सुंदर नगरी में हम लोग एक इन्फॉर्मेशन सेंटर परिवर्तन के जो शुरुआत हुई थी वो अरविंद ने किया था, अरविंद केजरीवाल ने, उनके साथ शायद मैं पहली किस्मत वाली लड़की हूँ जो शुरुआत में उनके साथ जुड़ी। ऑफिस जाने के टाइम में उसके ऑफिस से 10 कदम पहले ही एक लड़के ने जो है मेरी बेटी पे संतोष पे हमला कर दिया और यहाँ से उसकी गर्दन पे ब्लेड मार दिया, गला काट दिया। वहाँ अस्पताल मुझे ले जाया गया, डॉग इतना प्री प्लान करते हैं ये भ्रष्टाचारी लोग, माफिया लोग, डॉक्टरों ने मारपीट किया हुआ आपके साथ? यस। और फिर हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कराते हो कि हम गल्ले लूट रहे थे दुकान वालों के। जब वो टाके लगा करके घर पे आ गई तो हमने उससे मना करा था कि नहीं बेटे अब काम नहीं करना, तब उसने कहा कि नहीं मैं काम कब ही नहीं छोड़ूंगी और मैं काम जनता के लिए करूंगी, करती रहूंगी आखिरी सांस तक और मुझे किसी से डर नहीं है, अगर मैं डर के बैठती हूँ तो राशन माफिया वाले ये बोलेंगे कि देखो हमने मारा तो डर के बैठ गई ना, मुझे खुद आके कहती थी कि नहीं डरना नहीं है। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, 10वीं के बाद छोड़ दिया
क्योंकि समझ में आया कि ज्यादा इस देश को सुधारने के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिल में जज्बा होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। फिर कंपूस पे आरटीआई फाइल करते थे कि आपने इसके जो कंप्लेन दिया 8 दिन बाद इसके ऊपर क्या काम किया। उसके बाद फिर जो हमले आप लोगों ने को पता ही है, 9 बार अटैक हुए आपके ऊपर हुआ अलग से, मेरा गला काट दिया था, वहां अस्पताल मुझे ले जाया गया। डॉग इतना प्री प्लान करते हैं ये भ्रष्टाचारी लोग, माफिया लोग, डॉक्टरों ने मारपीट किया हुआ आपके साथ। यस, और फिर हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कराते हो कि हम गल्ले लूट रहे थे दुकान वालों के। लेकिन ये समझ में नहीं आया, एक बार मुंह पे बुलेट मारा, कल्याणपुरी में मैं आया और मेरी एक दोस्त ने देखा, गर्दन पर चाकू रख दिया, तब लगा कि कुछ नहीं, इसी का नाम जिंदगी है, जियो और काम करो, पर पीछे मत हटो। एक चीज है, अगर आप कुछ ठानते हैं ना अच्छे काम के लिए, तो मारने वाले ज्यादा टिकाऊ नहीं होते। मतलब समझ में आया कि ये लोग कितने कमजोर हैं, कोई और चारा नहीं, व्यवस्था नहीं सुधारेंगे और करप्शन से लड़ने वालों को मारेंगे। शीला दीक्षित ने एक बार जो है संतोष को मेरी जो है अपनी कोठी पे बुलाया और संतोष को जो है वहाँ टॉर्चर किया, कहने मिस परिवर्तन तुम जो है क्या करती हो, लोगों को भड़काती हो हमारे खिलाफ, जबकि ये सारा जो है इतनी बड़े जो है वो चीफ मिनिस्टर थी, महिलाओं के लिए जो है वो कहते हैं कि हमने महिला आयोग खोल रखा है और महिलाओं के ही जो है बच्चों को राशन नहीं मिल रहा, तो फिर क्या होगा। अभी एक साल पहले शीला दीक्षित ने बुलाया था, मेरे को डरा रही थी, बुला बोलती है मिस परिवर्तन आगे से कुछ किया तो तेरे देख लोगे, मेरे को बड़ा रोना है उसे, तमीज नहीं है कि ये बस्ती के लोग राशन की लड़ाई की बात कर रहे हैं, जो काम आप नहीं कर रहे वो ये बस्ती के चंद लोग कर रहे हैं, इनकी बात सुन रही है, उन्होंने कहा इसको उठवा के बात लिखवा दो। कई दफा जो है मेरी बेटी पे टॉर्चर करा गया, हमला करते थे लोग। कल्याणपुरी में मैं आया और मेरी एक दोस्त ने देखा, गर्दन पर चाकू रख दिया, तब लगा कि कुछ नहीं, इसी का नाम जिंदगी है, जियो और काम करो, पर पीछे मत हटो। छोटे बच्चों को स्कूल में दाखिल कराना, 450 बच्चे यहाँ के सुंदर नगरी के गरीब परिवार के, जिनके पास कोई खाने को पैसे भी नहीं है, तो उनके भी बच्चे जो है अच्छे स्कूलों में संतोष के जरिए जो है उनको पढ़ने के लिए जो है भेजा गया। बच्चों से आप पूछेंगे कि किसने भेजा, कि हमें संतोष दीदी ने भेजा। संतोष को जो है टिकट मिला, उसके 10 दिन बाद मेरी बेटी का एक्सीडेंट करा दिया गया। उससे पहले मेरे को ये बोल रही थी कि पापा मेरे को मारने की धमकी देते हैं, मगर मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी को सच में मार देंगे। 37 दिन तक जो है फोर्टिस हॉस्पिटल में रही, खाली हम आंख से खड़े देखते रहे अपनी बेटी को, एक गिलास पानी भी नहीं पिला सके, एक चम्मच भी नहीं उसके मुंह में डाला कभी भी, और आज भी जो है याद में रोते रहते, सारी रात सोते नहीं है, कुछ भी याद ही नहीं रहता, किसी से क्या बोलते क्या करते बेटा, क्या बताएं। बहुत जब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार जब हमको मिला, तो दिल्ली में 2001 में ये आया था, 2004 में एक ऑर्डर आया था जो अशोक अग्रवाल जी ने लड़ा था केस, प्राइवेट स्कूल में 25% गरीब बच्चों के लिए सीट मुफ्त, उसकी पहली लड़ाई सुंदर नगरी से लड़ी थी, जिसकी वजह से 450 बच्चे पहली बार एडमिशन हुए थे, झुग्गी बस्ती के बच्चे। तो ये बहुत राठिया से तो बहुत सी चीजें ऐसी आप कर रहे हो, तो आगे ऐसे ही लड़ते रहना है, तो अभी भी लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी। और दूसरा मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, डरना नहीं चाहिए। अटैक हुआ ना, 9 बार हमले हुए, मेरी पूरी टीम के ऊपर 9 बार हमले हुए, हमारे साथियों को पूरी तरह से पीटते थे, लात घूंस से खून खान, मतलब कि पर पीट के फिर थक जाते थे,
हमारा काम वैसे ही चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे ऊपर तो हमले हुए हैं, लोगों के तो मर्डर हुए हैं, उनकी बीवियां हम लड़ रही है। तो डर गए तो फिर कुछ नहीं होने वाला, देश बर्बाद हो रहा, अब भी नहीं जाके तो कभी कुछ नहीं होने वाला। हमेशा हमारे साथ रहेगी और हम भी उसके साथ हैं, और कभी भी वो पीछे नहीं हटेगी, उसकी आत्मा जिंदी है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ऐसे काफी मुद्दे हैं जिनके लिए मैंने दीदी के साथ रहकर लड़ाइयां करी। संतोषी जी से इतना सब कुछ सीखा कि सामने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं हम। लड़कियों के इंसाफ के बारे में सीखा, कानूनों के बारे में जाना। दीदी ने राशन माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हम लोगों को भी लड़ना सिखाया। संतोष कोहली से मिलने के बाद ये समझ में आया कि अपने हक की लड़ाई लड़ाई नहीं होती। इससे पहले मैंने अपने हक के लिए बहुत लड़ा, पर संतोष कोहली से मिलके ये लगा कि दूसरों के हक के लिए भी हमें लड़ना चाहिए। जैसे वो सुधारना चाहती थी अपने देश को, ऐसी वो हमें सिखा के गई है कि जैसे हमने अपने देश को सुधारने की ठानी थी वैसे तुम भी ठानो। मैं भी अब सबके हकों के लिए लड़ती हूँ और लड़ती रहूंगी, वो मेरी प्रेरणा रही है। और जब से लेके अब तक मैं संतोष कोहली के रास्ते पे चलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। लड़ाई लड़ी 10 साल में, मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है, फेल हुए उस लड़ाई में, लड़ाई लड़ा पर जीते हैं, रिजल्ट निकाला है।